सिविल अस्पताल कंडाघाट में दाखिल रोगियों सहित अपना इलाज करवाने आए लोगों को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोलन द्वारा मास्क, सैनिटाइजर व फल वितरित किए गए। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोलन ने कंडाघाट अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोलन के अध्यक्ष संजीव ठाकुर की अगुवाई में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों ने कंडाघाट अस्पताल में मौजूद रोगियों सहित स्टाफ को मास्क, फल और सैनिटाइजर वितरित किए। इस दौरान सभी ने अस्पताल में दाखिल रोगियों का हालचाल भी जाना और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की भी कामनाएं की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोलन समय समय पर कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रही है और आगे भी इस तरह की सहायता करती रहेगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस को देखते हुए कंडाघाट अस्पताल में मरीजों, डॉक्टरों और सफाई कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर व फल वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी समय समय पर सामाजिक भलाई के कार्य करती रहती है और आगे भी निरंतर करती रहेगी। इस कोरोना महामारी के दौरान पहले भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से जितना भी योगदान हो सका करा और आगे भी करती रहेगी। इसी दौरान आज हमने कंडाघाट क्षेत्र के हॉस्पिटल में मरीजों को, सफाई कर्मचारियों को और साथ ही कोरोना वॉरियर जो स्टाफ है इनको मास्क, सैनिटाइजर और फल वितरित किए और जितने भी यहाँ मरीज हैं उनके स्वास्थ्य जल्द स्वास्थ्य की कामना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोलन करती है। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।